सी इन टुडेज लेक्चर वी विल स्टार्ट विद कार्ल मार्क्स। सी हम कार्ल मार्क्स के बायोग्राफी के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आई एडवाइज यू टू रीड कार्ल मार्क्स बायोग्राफी ऑन योर ओन। ये जो लेक्चर सीरीज होगी ऑन कार्ल मार्क्स, इसमें बीच बीच में आई विल बी कीप कमिंग बैक टू द बायोग्राफी ऑफ कार्ल मार्क्स, बिकॉज वो जो बायोग्राफी है और उनकी जो लाइफ कैसे शेप हुई है, राइट, हिज एक्सपीरियंसिस इन लाइफ, हिज एजुकेशनल बैकग्राउंड, हिज फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, द नेशन स्टेट इन विच ही वॉज लिविंग विल शेप हिज थॉट, इमेजिनेशन एंड हिज वर्क्स, राइट। सो आई एडवाइज यू टू रीड कार्ल मार्क्स बायोग्राफी ऑन योर ओन। आप गिडन से पढ़ लीजिएगा, उसमें गिडन्स में अराउंड 2 pages में कार्ल मार्क्स की बायोग्राफी दी हुई है, राइट। सो विल बी स्टार्टिंग विद फर्स्ट, हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे हेगल के बारे में, राइट। हेगल के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज लेनिन ने बोला था, राइट, लेनिन हु वाज अ मार्क्सिस्ट, अक्टूबर रिवोल्यूशन आया था, रशियन रिवोल्यूशन आया था, राइट, जिसके वो पायनियर थे और जो एक्चुअल में मार्क्सिज्म को जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया था, राइट। रशिया वॉज द फर्स्ट कम्युनिस्ट कंट्री। लेकिन उससे पहले हम ये देखना पड़ेंगे कि लेनिन बोलते हैं कि यू कैन नॉट अंडरस्टैंड मार्क्स विदाउट डेवलपिंग अ प्रायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेगल। आपको पहले हेगल को समझना पड़ेगा, उसके बाद आप कार्ल मार्क्स को समझ सकते हो। लेकिन हमें हेगल को समझना क्यों पड़ेगा? सी हेगल जो है, उन्होंने ही प्रपाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ डायलैक्टिकल आइडियलिज्म, और जो मार्क्स का जो कंसेप्ट था डायलैक्टिकल मटीरियलिज्म, वो डायरेक्टली इंस्पायर्ड था हेगल के कंसेप्ट ऑफ डायलैक्टिकल आइडियलिज्म से, राइट। मार्क्स ने काफी बोरो किया हेगल से, राइट, ही वॉज हैविली इन्फ्लुएंस्ड बाई हेगल। सी, आपको वहां पे उस कंटेक्स्ट में जाना पड़ेगा, उस टाइम में जाना पड़ेगा कि वहां पे हेगल जो थे, उनके जो वर्क्स थे, ही वॉज अ इंटेलेक्चुअल मैमथ, राइट, ही वॉज एन इंटेलेक्चुअल हैवी वेट। He was widely read in German universities at that point of time. उनको काफ़ी follow किया जाता था और उनके followers जो थे, right, जो young जो students थे जो universities में Hegel को पढ़ते थे, और वो were deeply influenced by the works of Hegel, right, और उन्होंने उनके works को reflect किया, Hegel के works को, उनको कहीं ना कहीं modify किया, criticize भी किया, right, modification भी दी, तो उनको बोला जाता था young Hegelians, right. तो मार्क्स भी उसी इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट में क्या है, वो उनकी एजुकेशन हुई यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में, और वहाँ पे एक ह्यूज फॉलोइंग थी हेगल की। तो वहीं से इमर्ज होके आया है कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मार्क्स वॉज स्पेसिफिकली इन्फ्लुएंस्ड बाय हेगल, राइट। इसके साथ साथ हमें मार्क्स के जो वर्क्स हैं, स्पेशली वो कैपिटलिज्म की बारे में बात करेंगे, इकोनॉमी की बात करेंगे, राइट, जो इकोनॉमी की बात करते हैं, ही इज अ पॉजिटिविस्ट, राइट, वो फिगर्स डेटा कोट करते हैं, ही एक्चुअली बिलीव्स इन यूनिवर्सल साइंटिफिक लॉज और पॉजिटिविज्म में बिलीव करते हैं, राइट, फैक्ट्स, डेटा, फिगर और रिसर्च के बारे में बात करते हैं। तो वाइल डीलिंग विद कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर्स, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स की जब वो बात करेंगे, तो वहाँ पे ही इज इंस्पायर्ड बाय पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट, राइट, उस टाइम के जो पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे लाइक एडम स्मिथ, दैट इज वाई वी रेड अबाउट एडम स्मिथ, राइट, एडम स्मिथ, रिकार्डो, इनके वर्क से काफ़ी इन्फ्लुएंस होंगे। तो वो भी उनका भी इन्फ्लुएंस आपको कार्ल मार्क्स के वर्क्स को में देखने को मिलेगा, राइट। एक जो थे यंग हेगेलियंस और फ्यूअरबाक भी रिलीजन के बारे में बोलते हैं, वो एक मटीरियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग देते हैं रिलीजन की, राइट। तो मटीरियलिज्म ओरिजिनेट होगा, व्हाट इज मटीरियलिज्म, ये हम देखेंगे, और यहीं से जो मटीरियलिज्म है, जो कार्ल मार्क्स का कंसेप्ट ऑफ डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म, इट इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्यूअरबाक कंसेप्ट्स ऑफ मटीरियलिज्म, राइट। तो मटीरियलिस्टिक कंसेप्शन देते हैं रिलीजन की, हम देखेंगे इसका क्या मतलब है, राइट। वेयर एज हेगल इज टॉकिंग अबाउट आइडियलिज्म, राइट, तो हम इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे, राइट, वी विल बी डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दिस थिंग। आगे चलते लेक्चर्स में हम देखेंगे हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म क्या होता है, डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म होता है, देन वी विल मूव ऑन टू मोड ऑफ प्रोडक्शन, एंड अल्टीमेटली वी विल बी स्टडिंग विद कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर्स, कैपिटलिज्म मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल बी कवरिंग क्लास कॉन्फ्लिक्ट, राइट, इमर्जेंस ऑफ द डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियट, राइट, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियट एस्टेब्लिश होगी, वो हम पढ़ेंगे, राइट, कम्युनिस्ट यूटोपिया के बारे में पढ़ेंगे, और फाइनली हम क्लास कन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद वी विल बी फाइनली फिनिशिंग मार्क्स आफ्टर विल बी डीलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ एलियनेशन, राइट। तो नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद कार्ल मार्क्स कंसेप्ट ऑफ
डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, लेकिन डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म हम तभी अप्रिशिएट और अंडरस्टैंड कर पाएंगे जब हम हेगल के कंसेप्ट ऑफ डायलेक्टिकल आइडियलिज्म को समझ लें, राइट? सो विल बी टेकिंग अ लुक, अ वेरी ब्रीफ लुक इनटू द हेगल्स कंसेप्ट ऑफ डायलेक्टिकल आइडियलिज्म, राइट? तो हेगल जो थे, हमने देखा था कि ये ही इज अ जर्मन फिलोसोफर, और इन्होंने क्या किस कंसेप्ट को प्रपाउंड किया था, ही प्रपाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ डायलेक्टिकल आइडियलिज्म, डायलेक्टिकल आइडियलिज्म। और मार्क्स ने जो यहां से कंसेप्ट उठाया, उन्होंने क्या है, हेगल की फिलॉसफी को बिल्कुल रिवर्स कर दिया, राइट? मार्क्स वर्क्स इज काइंड ऑफ मिरर ऑपोजिट और इन ऑपोजिशन टू हेगल्स कंसेप्ट ऑफ डायलेक्टिकल आइडियलिज्म, और मार्क्स अपना कंसेप्ट देखेंगे डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म का। तो डायलेक्टिकल आइडियलिज्म का क्या मतलब है, तो वी नो कि ये दो वर्ड्स का बना, एक तो है डायलेक्टिक्स, एक है आइडियलिज्म। तो हम इन दोनों वर्ड्स को क्या है, डिसाइफर और डिक्रिप्ट करने की कोशिश करेंगे दोनों का क्या मतलब है, और अगर हमने इन दोनों वर्ड्स को डिसाइफर कर लिया, देन वी विल बी एबल टू डेवलप एन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेगल्स कंसेप्ट ऑफ डायलेक्टिकल आइडियलिज्म, राइट? नाउ सबसे पहले हेगल क्या बोलते हैं, हेगल का एक फेमस कोट है, राइट, जो अब लास्ट टाइम मेंस में भी पूछा गया था आपका, ऐसे में पूछा गया था, हेगल सेज व्हाट इज आइडियल, राइट? और ये जो कोट है, ये कोट है, इट इज असेंस, और पूरा का पूरा असेंस है, एक यू कुड से समरी है ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डायलेक्टिकल आइडियलिज्म। ये कोट का क्या है, क्या मतलब है, सी हेगल बोलते हैं व्हाट इज आइडियल That is real. Right. And what is real that is rational. इस कोट को हम समझने की कोशिश करेंगे। हेगल क्या बोलते हैं कि व्हाट इज आइडियल दैट इज रियल, आइडियल ही रियल है। अब इसका क्या मतलब है, सी हेगल बोलते हैं रियलिटी, रियलिटी इज द प्रोजेक्शन, इज द प्रोजेक्शन ऑफ आइडियाज, रियलिटी, रियलिटी है क्या, रियलिटी कैसे इमर्ज होती है, राइट? तो हेगल बोलते हैं कि जो आइडियाज हैं उसका प्रोजेक्शन करोगे, जो आइडियाज हैं आपका, राइट, आपका आइडियाज, थॉट, इमेजिनेशन, इसका जब आप प्रोजेक्शन करते हो, राइट, व्हेन यू प्रोजेक्ट दिस आइडियाज, योर थॉट, योर इमेजिनेशन ऑन टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड, ऑन टू द एक्सटर्नल फिजिकल और सोशल वर्ल्ड, राइट? आप जब बाहर जो फिजिकल और सोशल वर्ल्ड है उसमें जब अपने आइडियाज को क्या है प्रोजेक्ट करते हो, अपने थॉट्स को जब प्रोजेक्ट करते हो, राइट, वही रियलिटी है। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, राइट? तो डुर्खाइम बोलते हैं कि ये जो आइडियाज है, राइट, ये जो आइडियाज है ये कहां से इमर्ज होते हैं, राइट? दीज आइडियाज इमर्ज एमिनेट और स्प्राउट फ्रॉम consciousness,
राइट, आपकी जो कॉन्शियसनेस है वहीं से आइडियाज इमर्ज होते हैं, राइट। इसको बोला गया है माइंड स्पिरिट, राइट। और जो जर्मन वर्ड यूज हुआ है कॉन्शियसनेस और माइंड और स्पिरिट के लिए, वो जो जर्मन वर्ड हुआ है वो है गाइस्ट या जीस्ट, राइट। गाइस्ट हम लेके चलेंगे इसकी प्रोनाउंसिएशन। तो आपकी जो कॉन्शियसनेस है, आपकी जो गाइस्ट है, वहां से जो आपके थॉट्स, आइडियाज, इमेजिनेशन जो इमर्ज कर रहे हैं, जब इनको आप प्रोजेक्ट करोगे एक्सटर्नल वर्ल्ड पे, राइट, फिजिकल और सोशल वर्ल्ड पे, व्हेन दीज आइडियाज आर प्रोजेक्टेड, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स रियलिटी, राइट। रियलिटी इज नथिंग बट इट इमर्जेस फ्रॉम योर गाइस्ट, राइट। नाउ इसका एक्चुअल मतलब क्या है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद 3 to 4 एग्जांपल्स, राइट। आप इसको बेटर अप्रिशिएट कर पाओगे इन स्टेटमेंट्स को व्हेन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज स्टेटमेंट्स विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एग्जांपल्स, राइट। सी, हाउस इज अ रियलिटी, हाउस को कंस्ट्रक्ट किया गया है। नाउ दिस हाउस इज एन एक्सटर्नल रियलिटी, राइट, ठीक है। लेकिन इस हाउस बनाने से पहले इस हाउस का डिजाइन बनाया होगा आर्किटेक्ट ने, राइट, एक प्रोटोटाइप बनाया होगा, राइट। तो ये कहां से इमर्ज हुआ होगा, दिस इमर्ज फ्रॉम द माइंड और गाइस्ट ऑफ आर्किटेक्ट, राइट। तो जब आर्किटेक्ट अपने डिजाइन, अपने थॉट, अपनी इमेजिनेशन, अपने आइडियाज को प्रोजेक्ट करता है एक्सटर्नल रियलिटी पे, राइट, व्हेन दिस डिजाइन और प्रोटोटाइप ऑफ आर्किटेक्ट विच ओरिजिनेटेड इन हिज माइंड, इन हिज गाइस्ट, इन हिज कॉन्शियसनेस, व्हेन यू प्रोजेक्ट इट ऑन टू द एक्सटर्नल रियलिटी, तो हमें हाउस मिलता है। और एक हाउस ही नहीं, इवन सिटीज, राइट, इवन सिटीज, जब आप बात करोगे चंडीगढ़, राइट, फॉर एग्जाम्पल चंडीगढ़, चंडीगढ़ इज अ प्लान्ड सिटी, राइट, तो उसका पहले प्रॉपर डिजाइन और एक प्रोटोटाइप बनाया होगा, राइट। इट वॉज फर्स्ट कंसीव्ड इन द माइंड ऑफ एन आर्किटेक्ट, राइट। और कौन थे इनके आर्किटेक्ट, ली कार्बूजियर, राइट, जिन्होंने क्या है इसका मॉडल दिया था, इसको प्लान किया था, राइट। सो फर्स्ट एनी रियलिटी इज फर्स्ट कंसीव्ड इन योर गाइस्ट, राइट, इन योर थॉट, इन योर इमेजिनेशन, राइट। व्हेन आपकी जो क्रिएटिविटी है वो मैनिफेस्ट होती है, जब ये थॉट मैनिफेस्ट होते हैं आपके एक्सटर्नल मैटर पे, देन यू गेट योर फिजिकल रियलिटी। एंड नॉट जस्ट फिजिकल रियलिटी, इवन सोशल रियलिटी भी ऐसी ही इमर्ज होती है, राइट। इट इमर्जेस ऑल द रियलिटी, इट इमर्जेस फ्रॉम द डोमेन, फ्रॉम द रियलम ऑफ आइडियाज, राइट। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज आइडियलिज्म, राइट। इसको हम फर्दर और इसको डेवलप करेंगे। नाउ ये एक एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल, आपका पेंटर जो पेंटिंग बनाता है, तो उसकी कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस और थॉट में जब वो ही रिप्रेजेंट होंगे उस कैनवस पे, राइट, देन पेंटिंग इमर्ज होगी, राइट। राइट, पेंटर हो गया आपका पॉटर, राइट। पॉटर जब अपनी स्किल्स शो करता है, तो जो उसके पहले थॉट इमेजिनेशन में था, उसकी कॉन्शियसनेस में था, उसके गाइस्ट में जो था, जब वो उसको शेप करता है, उसको मोल्ड करता है, उनको ब्यूटीफुल पॉटरी को, राइट, वो ब्यूटीफुल पॉटरी कुड बी यूज्ड फॉर यूटिलिटेरियन पर्पसेस, फॉर योर यूटेंसिल्स, और इट कुड इवन बी यूज्ड फॉर डेकोरेटिव पर्पसेस, राइट। ऐसे ही आर्किटेक्ट हमने ऊपर देखा, म्यूजिशियन, राइट, तो यहीं से इनकी रियलिटी इमर्ज होकर आती है, जब ये आइडियाज प्रोजेक्ट होते हैं मैटर पे और एक्सटर्नल रियलिटी, फिजिकल रियलिटी पे, तो दिस इज कॉल्ड एज। तो अगर आप देखोगे इनको, अगर इनकी कोई इन्वेंशंस भी होंगी, राइट, म्यूजिशियन की कॉपीराइट, उसको क्या बोलेंगे, आईपीआर, दिस इज नोन एज आईपीआर। व्हाट आर आईपीआर की डेफिनेशन क्या है, दीज आर इंटेलेक्चुअल, राइट, प्रॉपर्टी राइट्स, दीज आर द, जो टेक्निकल डेफिनेशन ही आईपीआर की क्या है, इट इज द क्रिएशंस ऑफ द माइंड, आईपीआर आर द क्रिएशंस ऑफ द माइंड, राइट। और हेगल बोलते हैं कि जितना भी आपका जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस मिले हैं, राइट, आपका उससे भी पहले आपका आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर,
लैंग्वेज. दीज ऑल फर्स्ट इमर्ज्ड इन द डोमेन और रियलम ऑफ आइडियाज. दीज आर दिस फर्स्ट दिस रियलिटी फर्स्ट इमर्ज्ड इन योर गाइस्ट इन योर कॉन्शियसनेस इन योर स्पिरिट राइट. लैंग्वेज और इवन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस लाइक डेमोक्रेसी राइट. आप बोलते हो फ्रीडम ऑफ स्पीच सेपरेशन ऑफ पावर्स राइट. दीज आर ऑल द कंसेप्ट दैट वर फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय पॉलिटिकल स्कॉलर्स राइट. सो ये उनकी गाइस्ट से उनकी कॉन्शियसनेस से निकल के आया है. लॉक की हॉब्स की राइट रूसो की कॉन्शियसनेस से उनकी गाइस्ट से निकल के आया ये आइडियाज निकल के आया है. व्हेन दिस आइडियाज एक्चुअली प्रोजेक्टेड ऑन टू द एक्सटर्नल रियलिटीज दे बिकम दीज न्यू कंक्रीट रियलिटीज और जो कि हम इन्हीं रियलिटीज में जी रहे हैं राइट. हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं. हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है सेपरेशन ऑफ पावर्स राइट. बट दीज आर फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाई मॉन्टेस्क्यू वोल्टेयर रूसो लॉक होब्स राइट. सो इसको क्या बोला जाता है जब ये इन्होंने ये आइडियाज दिए. अगर आप देखोगे पॉलिटिकल साइंस में इसको क्या बोला जाता है. दिस इज नथिंग बट पॉलिटिकल थॉट राइट. This is political thought. ठीक है. So I hope you are able to understand what is idealism और क्या मतलब है इसका. लेकिन then why do we need dialectics? Why do we need dialectics? See, Hegel observe करते हैं there is always a gap, there is always a gap between the ideal, right? Ideal जो आपने conceive किया था, you conceived a perfect reality. आपके mind में कहीं ना कहीं एक perfect imagination थी. आपने कुछ perfectly conceive किया था किसी भी चीज को, right? Right. So what reality ought to be? What reality ought to be, right? There is always a gap between the ideal and the real. What reality actually is, right? तो अगर पोर्टर ब्यूटीफुल पोर्ट्री बना रहा है उसने कंसीव की है तो उसके माइंड में एक परफेक्ट इमेजिनेशन थी राइट कि दिस इज हाउ माय पोर्ट्री शुड बी राइट. दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ माय माइंड शुड बी राइट. लेकिन जो उन्होंने इमेजिन किया है और जब वो एग्जैक्ट उसका इंप्लीमेंटेशन हो रहा है राइट देर इज ऑलवेज देर विल बी गैप बिटवीन व्हाट इज परफेक्शन और द परफेक्ट रियलिटी एंड द एक्चुअल रियलिटी राइट. देर इज ऑलवेज अ गैप राइट. आप परफेक्टली उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं. तो अगर उस गैप को राइट इफ यू वांट टू ब्रिज और मिटिगेट दिस गैप राइट देन योर गाइस्ट और देन योर कॉन्शियसनेस राइट इट गोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ डायलेक्टिक्स राइट. और इस प्रोसेस ऑफ डायलेक्टिक्स में गाइस्ट क्या कंटिन्यूअसली क्या है इसके साथ डील करती रहती है और कंटिन्यूअसली थ्रू डायलेक्टिक्स दिस गैप विल बी ब्रिज दिस गैप विल बी मिटिगेटेड राइट राइट. सो गिस्ट इट गोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ डायलेक्टिक्स राइट. और यहां पर हम पढ़ेंगे थीसिस antithesis or synthesis right. Thesis antithesis or synthesis के बारे में पढ़ेंगे. We'll be taking a look into that right. ठीक है. Now ऐसे ही political thought आया होगा तो एकदम से Montesquieu could not come up with separation of powers right. उनकी entire life उनका entire जो गाइस्ट है वो प्रोसेस वो चलते चलते इंक्रीमेंटली राइट टू थ्रू अ सर्टेन प्रोसेस ऑफ डायलेक्टिक्स
राइट थ्रू अ रिग्रेस हार्ड वर्क ऑफ डायलेक्टिक्स राइट उनकी कॉन्शियसनेस इमर्ज की होगी एंड अल्टीमेटली ही कुड हैव कम अप विद द दिस नोशन और प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स राइट ही डिड नॉट हैव दैट प्रिंसिपल टू बिगिन विद राइट ही डिस्कवर्ड और पायनियर दैट प्रिंसिपल एंड हिज माइंड और थॉट वुड हैव गॉन थ्रू द प्रोसेस ऑफ डायलेक्टिक्स राइट और वट इज डायलेक्टिक्स विल बी टेकिंग अ लुक इन टू दैट एज वेल राइट नाउ माई क्वेश्चन इज सी देन आपके हेगल बोलते हैं कि जो आपकी इनर रियलिटी है राइट आपकी जो इनर रियलिटी है राइट दैट इज द दैट लाइज इन योर गाइस्ट राइट दैट लाइज इन योर कॉन्शियसनेस राइट तो ये बोलते हैं कि दिस इज द प्राइमरी रियलिटी This is the primary reality, right? और इसी को जब आप project करोगे inner reality का जो extension है और geist का जो projection है matter पे, right? इसका जो projection है और या फिर extension है inner reality का, right? इसी से ही आपको क्या मिलती है outer reality, right? जो आपको दिखती है राइट सो वो बोलते हैं कि दिस इज दिस आउटर रियलिटी दिस इज अ सेकेंडरी रियलिटी रियलिटी राइट और ये कहीं ना कहीं इसका प्रोजेक्शन और इसका एक्सटेंशन ही है राइट इसी का ही क्या है एक एक्सटेंशन है आपको एक सिंपल एग्जांपल से मैं समझाता हूं जो आपके कैमरा जब आप फोटोज लेते हो तो कैमरा के क्या होते हैं नेगेटिव्स होते हैं राइट कैमरा के नेगेटिव्स होते हैं नाउ दीज नेगेटिव्स यू कुड से दीज आर द प्राइमरी रियलिटीज और जब आपके एक्चुअल फोटोज डेवलप होते हैं राइट ये फोटोज कहां से मिलेंगे आपको आपके नेगेटिव से भी डेवलप होंगे नाउ दिस इज अ सेकेंडरी रियलिटी ठीक है तो आउटर रियलिटी और जिस ये जो है जो रियलिटी आप देखते हो जो रियल है दैट इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ आइडियल राइट रियल रियल जो आपको रियलिटी दिखती है दैट इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ आइडियल द इनर रियलिटी द रियलिटी दैट लाइज इन योर द रियलिटी ऑफ आइडियाज द रियलिटी दैट इज देयर इन द डोमेन ऑफ आइडियाज इन द रियल ऑफ आइडियाज दैट इज द रियल दैट इज द प्राइमरी रियलिटी राइट वेर इज दिस एक्सटर्नल रियलिटीज और द आउटर रियलिटी इज अ सेकेंडरी रियलिटी एंड इट इज जस्ट एन प्रोजेक्शन और इट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ दिस इनर रियलिटी राइट तो वो बोलते हैं कि दिस इज द ओनली रियलिटी राइट व्हाट इज आइडियल दैट इज रियल राइट तो बोलते हैं कि आइडियल ही ओनली रियलिटी है जो आपकी जो शेप हो रही है बाय गाइस और कॉन्शियसनेस योर गाइस और कॉन्शियसनेस इज द ओनली रियलिटी और आउटर रियलिटी है दैट इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ दिस इनर रियलिटी राइट तो आइडियलिज्म क्या बिलीव करता है आइडियलिज्म खाली क्या है गाइस्ट में बिलीव करता है कॉन्शियसनेस में बिलीव करता है आइडियाज में बिलीव करता है और बोलता है कि यही रियलिटी है राइट एक्सटर्नल रियलिटी इज जस्ट इट इज अ सेकेंडरी रियलिटी इट इज एन एक्सटेंशन और प्रोजेक्शन ऑफ दिस इनर रियलिटी सो द आइडियलिज्म क्या बोलता है कि दिस द इनर रियलिटी और द रियलिटी ऑफ आइडियाज इन द डोमेन ऑफ आइडियाज और योर गाइस्ट और कॉन्शियसनेस इज द ओनली रियलिटी एंड दैट इज वाई ही सेइंग व्हाट इज आइडियल दैट इज रियल राइट एंड व्हाट इज रियल दैट इज रैशनल इसका क्या मतलब है व्हाई इट इज रैशनल ही सेज कि ये जो रैशनल है ही सेज माइंड इज रैशनल एंड माइंड सिंस माइंड इज रैशनल राइट इट गोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ डायलेक्टिक्स राइट दिस टी ए एस साइकिल दिस थीसिस एंटीथीसिस सिंथेसिस साइकिल राइट तो यही इसका मतलब है व्हाट इज आइडियल दैट इज रियल एंड व्हाट इज रियल दैट इज रैशनल द रैशनल माइंड द गाइस्ट दैट इज रियल दैट इज रैशनल इट गोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ डायलेक्टिक्स तो हम इसमें एक चीज और डील करेंगे कि आपके माइंड में सबसे पहले यह आएगा कि हेगल क्या बोलेंगे Does the external physical reality right? Is it an illusion? Right? Is it an illusion?
और मैट्रिक्स और माया। सी इसको कैसे आंसर करते हैं हेगल, हेगल इसको कैसे आंसर करते हैं कि नो, सी ट्रीज एग्जिस्ट, माउंटेन्स एग्जिस्ट, प्लैनेट्स एग्जिस्ट, राइट, दे आर रियल, दे आर रियल, राइट। लेकिन वो बोलते हैं, उन्होंने एक बुक लिखी थी, राइट, इंपॉर्टेंट बुक, आप कोट कर सकते हो, द फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, द फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट। तो ये जितना भी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये इनकी इसी बुक से ही कंसेप्ट इमर्ज हुआ है, द फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट। व्हाट इज स्पिरिट? स्पिरिट इज नथिंग बट योर दिस कॉन्शियसनेस, माइंड, स्पिरिट और गाइस्ट, राइट। सो स्पिरिट की फिनोमिनोलॉजी क्या है, राइट? फिनोमिनोलॉजी के बारे में हम पहले भी डील कर चुके हैं, राइट। नाउ इसका क्या मतलब है? सी वो बोल रहे हैं कि दिस इज एन इंडिविजुअल, राइट, और इसको हम बोल सकते हैं कि ये उसकी गाइस्ट है, राइट, इंडिविजुअल की गाइस्ट है, राइट। और इंडिविजुअल क्या है? ये जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, राइट, दिस एक्सटर्नल वर्ल्ड ऑफ ट्रीज, माउंटेन्स, रिवर्स, राइट, इनके कॉन्टेक्ट में कहां से आता है इंडिविजुअल? इनके कॉन्टेक्ट में आता है सेंसेस के थ्रू, राइट, सेंसेस के थ्रू इस वर्ल्ड के कॉन्टेक्ट में आता है। तो यहां से सेंसेस के थ्रू, थ्रू टच, थ्रू फील, थ्रू थ्रू सीइंग, राइट, यू एक्सपीरियंस दिस एक्सटर्नल वर्ल्ड। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू एक्सपीरियंस दिस एक्सटर्नल वर्ल्ड थ्रू दीज फाइव सेंसेस, राइट, राइट। तो ये जो फिनोमिना है, आप एक्सटर्नल वर्ल्ड के फिनोमिना को एक्सपीरियंस करते हो, राइट, यहीं से फिनोमिनोलॉजी ये जो टर्म आई है। सी अगर आप फिनोमिनोलॉजी पढ़ते हो तो सोशोलॉजी में फिनोमिनोलॉजी स्टार्ट होती है एल्फ्रेड शूट्स के साथ, राइट, एल्फ्रेड शूट्स के साथ आपकी फिनोमिनोलॉजी स्टार्ट होती है। लेकिन एल्फ्रेड शूट्स क्या है, किससे इंस्पायर्ड थे? ही वॉज इंस्पायर्ड बाय हसरल, हसरल, HUSSERL, हसरल, एल्फ्रेड शूट्स। तो जो हसरल थे, उन्होंने फिनोमिनोलॉजी का कंसेप्ट किसमें दिया था? फिलोसफी में, फिलोसफी में हसरल ने फिनोमिनोलॉजी का कंसेप्ट दिया था, और इसको सोशोलॉजी में अडॉप्ट किया, इसको सोशोलॉजी में अडॉप्ट किया एल्फ्रेड शूट्स ने, राइट, और यहां से उनकी माइक्रो सोशोलॉजी स्टार्ट हुई थी, और इसी को क्या है, फिनोमिनोलॉजी बोलते हैं, राइट। तो फिनोमिनोलॉजी ओरिजिनली बिलोंग टू द फिलोसॉफिकल थॉट, राइट, वो डोमेन और रियल में था फिलोसफी, और उससे निकाल के सोशोलॉजी में अडॉप्ट किया था एल्फ्रेड शूट्स ने। और हसरल इन टर्म, सी हसरल इन टर्म, ये क्या है, लॉन्ग फिलोसॉफिकल थॉट और ट्रेडिशन है। उससे पहले भी क्या है, आपका हेगल, हेगल भी बात कर चुके हैं फिनोमिनोलॉजी के बारे में, और उससे पहले भी इमैनुअल कांट, इमैनुअल कांट उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो लोग क्यों नहीं समझ पाते फिनोमिनोलॉजी को, लोग इसलिए फिनोमिनोलॉजी को नहीं समझ पाते, इसलिए कंफ्यूज रहते हैं, बिकॉज ये जो लिंक है, ये जो लिंक है फ्रॉम कांट टू हेगल टू हसरल टू अल्फ्रेड शूट्स, ये मिसिंग रहता है, राइट। तो यहाँ पे क्या, व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट फिनोमिनोलॉजी, तो यहीं से हसरल का ने इनका ये कंसेप्ट उठाया था और इसको मॉडिफाई किया था अपने वर्क्स में, और उसको एक अपनी पहचान दी थी हसरल ने, राइट। लेकिन बिलोंग ये करता है जर्मन आइडियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट से, राइट, दिस बिलोंग्स टू जर्मन आइडियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट। और जर्मन आइडियलिज्म ही यही कहता है कि आइडियल ही खाली रियलिटी है, बट इज आइडियल दैट इज रियल एंड दैट इज द ओनली रियलिटी, गाइस्ट और कॉन्शियसनेस इज द ओनली रियलिटी, एवरीथिंग एल्स इज जस्ट अ प्रोजेक्शन ऑफ दिस रियलिटी ऑन टू द एक्सटर्नल फिजिकल और सोशल वर्ल्ड, राइट, दिस इज व्हाट वी आर स्टडिंग। तो बोलते हैं कि जब ये एक्सटर्नल वर्ल्ड के फिनोमिना को आप एक्सपीरियंस करते हो, तो जो फाइव सेंसेस है, राइट, उसी के थ्रू इनपुट मिलेगा आपको, उसी के थ्रू एक्सपीरियंस कर पाओगे। और जब ये जो डेटा है आपका, फर्दर क्या प्रोसेस करेगी? आपकी गाइस्ट प्रोसेस करेगी, कॉन्शियसनेस के थ्रू मीडिएट होगा, राइट, इसको एनालाइज, इसको कंस्ट्रक्ट, इसको डिफाइन कौन करेगा, राइट, इसको डिफाइन और मीनिंग इस डेटा को, राइट, इस डेटा को डिफाइन कौन करेगा, मीनिंग कौन देगा, एनालिसिस कौन करेगा, आपकी गाइस्ट करेगी, राइट, और कुछ नहीं करेगा। तो
आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हो दैट इज मीडिएटेड थ्रू सेंसेस, और अल्टीमेटली क्या है उसको एक पैटर्न और उसको डेफिनेशन और उसको मीनिंग आपकी गाइस दे रही है, राइट? उसको एक मीनिंगफुल वर्ल्ड में कंस्ट्रक्ट कर रही है आपकी गाइस, राइट? नाउ ये जो है ये वेरी करेगा. फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कलर्स की, राइट? कलर्स, अब मैन तो मैन क्या है, कलर्स को देख लेता है, राइट? विजिबल कलर्स हैं, राइट? रेड ब्लू ग्रीन कलर्स को देख सकता है. लेकिन जो एनिमल्स है, सर्टेन एनिमल्स, दे कैन नॉट सी दीज कलर्स, दे ओनली सी इन ब्लैक एंड व्हाइट. फॉर एग्जांपल डॉग्स, राइट? दे डॉग्स और कैट्स दे ओनली सी इन मोनोक्रोमेटिक, राइट? ब्लैक एंड व्हाइट टाइप. तो क्या वो बाहर की रियलिटी को ऐसे ही एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं जैसे मैन एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं? नहीं, राइट? इट इज मीडिएटेड थ्रू सेंसेस, और इसको फर्दर आपकी गाइस प्रोसेस कर रही है, राइट? और आपकी गाइस ही उसी को पर्टिकुलर शेप दे रही है. जैसे आपकी गाइस इमेजिन करेगी उसको, वही रियलिटी बन जाएगी. तो रियलिटी इज सम हाउ कंस्ट्रक्टेड इन योर गाइस, राइट? तो जब मैंने आपको बोला था अगर एलियंस होते क्या वो किसी भी, इफ दे आर मेटल ईटिंग एलियंस, राइट? कुड क्या वो, अगर इट इज अ पॉसिबिलिटी इफ दे वुड हैव ईटन लाइक फॉर एग्जाम्पल आर्सेनिक और मर्करी, राइट? दीज आर कंसिडर्ड अ टॉक्सिकल मेटल्स, बट दे वुड हैव डिफाइंड इट एज एडिबल, राइट? तो उनका जो एक्सपीरियंस था एक्सटर्नल वर्ल्ड का वो कंप्लीटली डिफरेंट होता, और उसी के हिसाब से वो एक्सटर्नल इस एक्सटर्नल वर्ल्ड को जैसे वो एक्सपीरियंस करते उसी के हिसाब से डिफाइन करते. जब मैंने आपको फिनोमिनोलॉजी पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर बहुत बड़े बड़े क्रिएचर फॉर एग्जाम्पल आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगर अर्थ पे रहेंगे, राइट, जिनकी हाइट ही 15-16 किलोमीटर है, तो विल दे बी डिफाइनिंग माउंटेन्स एज माउंटेन्स, विल दे बी डिफाइनिंग प्लेन्स एज प्लेन्स, और विल दे बी डिफाइनिंग प्लेट्यूज एज प्लेट्यूज, राइट? तो पूरा जो कंसेप्शन है, बिकॉज एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा एक्सटर्नल वर्ल्ड का, तो जो पूरा कंसेप्शन है दिस एक्सटर्नल वर्ल्ड विल चेंज, राइट? राइट, तो हमने ये देखा था, राइट? तो कांट क्या बोला, कांट ने भी तो यही बोला कि जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है उसको उन्होंने बोला नमूना, नमूना उसको बोला नॉमिनल वर्ल्ड है, राइट? सी दिस इज ट्रीज हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, राइट? लेकिन ये जो डिफाइन भी किसने किए हैं, राइट? ये जो डिफाइन भी किसने किए हैं, ये आपके सेंसेस के थ्रू जब डेटा आया तो गाइस ने ही, आपने आपकी गाइस ने ही इनको ऐसे डिफाइन किया, ऐसे ऑब्जेक्टिफाई किया, ऐसे टिपीफाई किया गाइस ने, राइट? तो इन्होंने कंसेप्ट दिया थिंग्स इन इट्सेल्फ. ये जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है लाई तो करता है, ट्रीज है, माउंटेन्स है, प्लैनेट्स है, राइट? और उनको बोलता उन्होंने थिंग्स इन इट्सेल्फ, राइट? उसकी जो इंट्रिंसिंग प्रॉपर्टीज है, राइट, जो एक्चुअल प्रॉपर्टीज है, हम नहीं अंडरस्टैंड करते, हम नहीं अंडरस्टैंड कर सकते, बिकॉज हम उसको जैसे अपनी सेंसेस और अपनी गाइस्ट के थ्रू ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट? सेंसेस के थ्रू ऑब्जर्व कर रहे हैं और गाइस्ट के थ्रू उसको प्रोसेस कर रहे हैं. तो ये गाइस्ट ही उस पर मीनिंग इम्पोज कर रही है. उसकी एक्चुअल इंट्रिंसिंग प्रॉपर्टीज क्या है, वी वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. हम उनको जैसे एक्सपीरियंस करेंगे उसी हिसाब से उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे. हम प्लांट्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, राइट? हम प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, हम प्लांट्स को एडिबल नॉन एडिबल में करते हैं, और एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी मानते हैं प्लांट्स को, राइट? व्हाट इफ एलियंस इनहैबिट द वर्ल्ड, राइट? और प्लांट्स का जो ऑक्सीजन जो एमिशन होता है, राइट, विच वी कैच, और क्या पता वो एलियंस, फॉर एलियंस ऑक्सीजन इज अ पॉइजनस गैस. तो उनके लिए प्लांट्स विल बी कम्प्लीटली, हाउ दे विल बी एक्सपीरियंसिंग दिस प्लांट्स विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमंस, राइट? तो उनका जो कंसेप्शन एक्सटर्नल वर्ल्ड का वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा, राइट? क्योंकि उनकी गाइस्ट और कॉन्शियसनेस अलग है, वो एक्सपीरियंस ही दूसरे उसमें वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर रहे हैं. तो वो इसलिए बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल वर्ल्ड है, राइट? बट जो ह्यूमन जो वर्ल्ड अंडरस्टैंड कर रहा है वो जो है वो फिनोमिनल वर्ल्ड है, राइट? जैसे ह्यूमन वर्ल्ड को अंडरस्टैंड टिपीफाई कर रहा है, राइट, वो है फिनोमिनल वर्ल्ड. और ये फिनोमिनल वर्ल्ड भी, तो ये फिजिकल वर्ल्ड भी किसने कंस्ट्रक्ट किया है? ये भी आपकी गाइस ने कंस्ट्रक्ट किया है, आपकी कॉन्शियसनेस ने कंस्ट्रक्ट किया, उसको पर्टिकुलर वे में डिफाइन किया है, और ये आपके एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है. आप फिनोमिना को कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हो, और दिस हाउ यू आर एक्सपीरियंसिंग दिस फिनोमिना इन कॉन्टेक्ट विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड, इट विल वेरी फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज, इट विल वेरी फ्रॉम डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स अक्रॉस डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, राइट? तो आपका हर एक जो डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स है इस एक्सटर्नल वर्ल्ड को डिफरेंट सेंस में क्या है कैटेगराइज करेंगे, राइट? डिफरेंट सेंस में उसको प्रोजेक्ट करेंगे. तो हम जैसे उसको देख रहे हैं रियलिटी को, राइट, तो जो हम एक्सटर्नल वर्ल्ड को भी देख रहे हैं,
राइट, वो भी हम क्या है थ्रू आवर गाइस देख रहे हैं, थ्रू आवर थॉट और इमेजिनेशन देख रहे हैं और उसी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए फिनोमेनोलॉजिस्ट बोलते हैं कि देर इज नो ऑब्जेक्टिव एक्सटर्नल रियलिटी, राइट, द ओनली रियलिटी इज योर माइंड, इज योर गाइस, इज योर कॉन्शियसनेस, राइट। और एक्सटर्नल रियलिटी, सोशल रियलिटी, कल्चरल नॉर्म्स, वैल्यूज, आर्ट, आर्किटेक्चर, फिजिकल रियलिटी, एवरीथिंग इज अ प्रोजेक्शन ऑफ योर गाइस, राइट। सो दैट इज व्हाई इट इज आइडियलिज्म ओनली बिलीव्स इन आइडियल बींग द ओनली रियलिटी एंड दैट इज नोन एज आइडियलिज्म, राइट। तो हेगल का कंसेप्ट आइडियलिज्म का इसका मतलब ये है। नाउ व्हाट इज डायलेक्टिक्स, राइट। इस पूरे लेक्चर में से आपके 5 से 6 पॉइंट्स ऐसे इमर्ज होके आएंगे जिनको सबके सब पॉइंट्स को क्या है कार्ल मार्क्स रिफ्यूट करेंगे एंड दैट इज वाई आई एम फोकसिंग और एम्फसाइजिंग ऑन दिस कंसेप्ट ऑफ हेगेलियन कंसेप्ट ऑफ डायलेक्टिकल आइडियलिज्म। बिकॉज इफ यू वॉन्ट टू बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस, राइट, तो ये होता है कि आप 3 से 4 साल क्या है इसी कंसेप्ट को समझने में वेस्ट करते हैं, राइट। यू वॉन्ट बी एबल एवर बी एबल टू अंडरस्टैंड इट अगर आप उसको सफिशियंट टाइम नहीं दोगे। तो अगर फिर से वही डाउट रहेगा और फिर से ये कंसेप्ट आगे आप पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट अगेन एंड अगेन एंड यू विल बी कीप रीडिंग इट अगेन एंड अगेन एंड यू विल बी कीप वेस्टिंग इट योर टाइम अगेन एंड अगेन। सो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट एट वन गो, राइट। अब हम डायलेक्टिक्स के बारे में स्टडी करते हैं और जानते हैं कि व्हाट इज डायलेक्टिक्स, राइट। Now let us try to understand the concept of dialectics. See, पूरा जो लेक्चर है उसमें बहुत ही छोटे छोटे माइन्यूट पॉइंट्स हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलेंगे कैपिटलिज्म सोज द सीड्स ऑफ इट्स ओन डिस्ट्रक्शन, राइट, आपने हरलंबस में पढ़ा होगा इस लाइन, ये सारी की सारी चीजें इमर्ज ही हेगल से कर रही हैं, राइट। इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन कैपिटलिज्म में क्यों है, बिकॉज सारी चीजों में हेगल बोलेंगे आगे कि सारी चीजों में इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन होती है और यहीं से ये सारी कंसेप्ट इमर्ज होकर आ रहे हैं। जब हेगल बोलते हैं, अभी हम देखेंगे, हेगल बोलते हैं कॉन्शियसनेस डिटरमाइंस योर बींग, राइट, और मार्क्स बोलते हैं बींग डिटरमाइंस योर कॉन्शियसनेस। सो हेगल का ये जो पूरा का पूरा लेक्चर है इसी में से 4 से 5 पॉइंट्स उठ के आएंगे और उसी को ही रिवर्स करके आपके मार्क्स उसको साथ डील करेंगे। मार्क्स बोलते हैं कि हेगल इज स्टैंडिंग ऑन हिज हेड, हेगल उल्टा खड़े हुए हैं, राइट, अपने सिर पे खड़े हुए हैं, हेगल इज स्टैंडिंग ऑन हिज हेड, और मैं उनको क्या रिवर्स करके उनको आई विल पुट हिम अपसाइड डाउन और उनको आई विल मेक हिम स्टैंड ऑन हिज फीट, राइट। तो बिल्कुल डायरेक्टली इंटीमेटली कनेक्टेड है हेगल और मार्क्स, राइट। मार्क्स वाज अ लॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय वर्क्स ऑफ हेगल। नाउ व्हाट इज डायलेक्टिक्स, हमने आइडियलिज्म देख लिया, अब हम देखते हैं डायलेक्टिक्स क्या है। और अगर हमने ये देख लिया तो हमें पता चल जाएगा कि डायलेक्टिकल आइडियलिज्म क्या है। डायलेक्टिक्स, सी डायलेक्टिक्स इज बेसिकली अ लैटिन वर्ड, इट इज बेसिकली अ लैटिन वर्ड, इसका मतलब होता है ऑपोजिशन या कॉन्ट्राडिक्शंस, राइट, ऑपोजिशन या कॉन्ट्राडिक्शंस। तो हेगल क्या बोलते हैं, हेगल बोलते हैं कि आपकी जो गाइस्ट है या कॉन्शियसनेस है, राइट, गाइस्ट और जो कॉन्शियसनेस है वो कोई भी आइडियाज जो जनरेट करती है, राइट, कोई भी आइडियाज, प्रोपोजिशन, राइट, स्टेटमेंट, राइट, कोई भी एक प्रोपोजिशन, स्टेटमेंट, कोई भी आइडिया जनरेट कर रही है या फिर कोई एक थीसिस जनरेट कर रही है आपकी गाइस्ट, राइट। वो बोलते हैं कि इन सभी आइडियाज में क्या है, वो बोलते हैं इन सभी आइडियाज में क्या है आपकी एक इनहेरेंट, इसी ही के अंदर ही क्या है इसका खुद का क्या है इनहेरेंट क्या है, और यू कुड से इंटरनल, और यू कुड से इनबिल्ट, इनबिल्ट क्या है इसी स्टेटमेंट्स में, इसी प्रोपोजिशन में, इसी आइडिया में, इसी थीसिस में, यह क्या है उसी थीसिस का क्या है एक क्या है कॉन्ट्राडिक्शन छिपा हुआ है, राइट, उसी में ही इनबिल्ट है कॉन्ट्राडिक्शन, राइट, या उसी में ही कुछ लूपहोल और फैलेसी है, राइट। ऐसा क्या स्टार्टिंग कोई भी परफेक्ट आइडिया नहीं हो सकता है। लेट अस से फॉर एग्जांपल हम एक आइडिया और एक प्रोपोजिशन और स्टेटमेंट बोलते हैं कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस और बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट। तो दिस स्टेटमेंट इज, दिस इज अ थीसिस, इस थीसिस के अंदर ही क्या है इसकी ओपोजिशन करने के लिए आएंगे, राइट।
फॉर एग्जाम्पल कम्युनिस्ट विल से, फासिस्ट विल से और अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, देर आर मल्टीपल क्रिटिसिजम्स ऑफ डेमोक्रेसी सो एज टू से, राइट। तो इसी स्टेटमेंट में क्या है, इसी में ही एक लूप होल है, राइट, और वो लूप होल ही उसका कंट्राडिक्शन आएगा, राइट, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि ये जो इट इज इनहेरेंट, इट इज इंटरनल, इट इज इनबिल्ट, राइट, इसी स्टेटमेंट में छुपा हुआ है। तो वो बोलते हैं कि हर एक थीसिस का क्या होगा, वहीं से निकल के आएगी उसकी एक एंटी थीसिस, राइट, जो उसकी ऑपोजिट बात करेगी, राइट, इसी से निकल के आएगी, राइट। तो इनके बीच में क्या होगा, निगोसिएशन होगा, राइट, रिजोल्यूशन होगा। अल्टीमेटली क्या है, माइंड क्या है, आपका गाइस्ट क्या है, इसको क्या है, रिजोल्व करने की कोशिश करेगा इन कॉन्ट्राडिक्शन को, राइट, थीसिस और एंटी थीसिस के बारे में। और जब ये माइंड क्या है, इस डायलेक्टिकल प्रोसेस से जाएगा, ये कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोसेस से जाएगा, राइट, थीसिस और एंटी थीसिस को रिजोल्व करने की कोशिश करेगा, राइट। तो क्या है, आपकी क्या है, माइंड रिजोल्व कर लेगा इस डायलेमा को, इस कॉन्ट्राडिक्शन को, और आपकी क्या आएगी, एक सिंथेसिस आएगी, राइट, सिंथेसाइज हो जाएगा दोनों की दोनों चीजें, राइट। नाउ दिस सिंथेसिस, वो बोलते हैं आपके हेगल, ये दिस सिंथेसिस विल बी द न्यू थीसिस, राइट, इट इज थीसिस नंबर टू, राइट, इट विल बिकम अ न्यू थीसिस, और इसी के अंदर क्या है, इसका एंटीथीसिस होगा, राइट, और यहीं से फिर सिंथेसिस होगा, राइट, दिस विल बिकम न्यू थीसिस। तो ये जो प्रोसेस ऑफ डायलेक्टिक्स है, रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन है, दिस विल गो ऑन एड इन्फिनिटम, कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, राइट, और ईच टाइम आप ये जो रिजोल्व कर रहे हो थीसिस और एंटी थीसिस को, यू आर गेटिंग अ न्यू लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, राइट, आपकी जो गाइस्ट और कॉन्शियसनेस है, इट इज रीचिंग न्यू लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, राइट, और बेटर लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, राइट, राइट, आपका थॉट और भी रिफाइंड होगा, योर थॉट विल बी मोर रिफाइंड, राइट, बिकॉज आपने कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो वो बोलते हैं कि ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, राइट, न्यू लेवल्स, और आप बोल सकते हो कि जो पहले आपकी गाइस्ट थी, उसकी दैट इज योर कॉन्शियसनेस थी, वो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे थी, जब इसने आइडिया जनरेट किया और उनको रिजोल्व किया, उन कॉन्ट्राडिक्शंस को, उस डायलेक्टिक्स को रिजोल्व किया, राइट, तो इट अंडरस्टैंड अ मोर हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो जब वो हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि योर गाइस इज रीचिज अ मोर हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस विद ईच डायलेक्टिकल साइकिल, राइट। इवन दिस इज हमने देखा कि ये भी आप डायरेक्ट लिंक करेंगे इनहेरेंट इनबिल्ट कंट्राडिक्शंस ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म विल सो द सीड ऑफ इट्स ऑन डिस्ट्रक्शन, बिकॉज उसमें ही इनहेरेंट इनबिल्ट कंट्राडिक्शंस होते हैं, राइट, वो यहीं से आया है। ऐसे ही यहां से भी एक चीज आपको देखने को मिलेगी, जिससे कि आप मार्क्स इन्फ्लुएंस्ड होंगे, यही इसी पॉइंट से, जब भी आप इन्फिनिटी, ये प्रोसेस आप कंटिन्यूअसली एड इन्फिनिटम फॉर इन्फिनिटी अगर आप इसको चलाते हो, तो बोलते हैं कि गाइस्ट विल अल्टीमेटली बी रीचिंग सुप्रीम लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, राइट, इट विल बिकम अ सुप्रीम कॉन्शियसनेस, राइट, जिसके पास क्या होगी, एब्सोल्यूट नॉलेज होगी, राइट, एब्सोल्यूट नॉलेज होगी, और ये क्या है, दिस इज नथिंग बट गॉड, राइट। तो हेगल क्या बोल रहे हैं, हेगल ये बोल रहे हैं कि हिस्ट्री, जो हिस्ट्री है, राइट, हिस्ट्री को कैसे कंसीव कर रहे हैं हेगल, हेगल हिस्ट्री, या फिर हम बोल सकते हैं कि हिस्टोरिकल प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड, इसको कैसे कंसीव कर रहे हैं हेगल, और यहीं से आपका कंसेप्ट ऑफ एलियनेशन भी, मार्क्स का यहीं से भी निकलता है, हेगल के कंसेप्ट ऑफ, इसी से ही हम बाद में रिलेट करेंगे, राइट, हेगल्स के एलिनेशन जो बोला था, वहीं से आपका मार्क्स का कंसेप्ट ऑफ एलिनेशन निकलता है। सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू हेगल टू सम एक्सटेंट, राइट, हिस्टोरिकल प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड, ये कैसे होता है, राइट, ये कैसे मैनकाइंड हिस्टोरिकली प्रोग्रेस करता है, वो बोलते हैं मैनकाइंड क्या है, ये जो आपकी गाइस्ट है, राइट, थॉट, इंटेलेक्ट,
इमेजिनेशन, माइंड, कॉन्शियसनेस, स्पिरिट, राइट। जब ये रिपीटेडली TAS साइकिल से गुजरती है, थीसिस, एंटीथीसिस और एंटीथीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस साइकिल से गुजरती है, तो ईच टाइम योर गाइस्ट इज मैनिफेस्टिंग मोर हायर लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस और मोर बेटर लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो हिस्ट्री इज द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन थॉट, हिस्ट्री इज द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन माइंड, हिस्ट्री इज द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट, एंड हिस्ट्री इज द प्रोग्रेस इन द डोमेन और रियलम ऑफ आइडियाज, राइट। बिकॉज दिस इज नथिंग बट दिस थीसिस एंटीथीसिस साइकिल, ईच टाइम यू आर लिविंग मोर हायर लेवल्स ऑफ, रीचिंग मोर हायर लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, राइट। नाउ अब इसमें हम ये देखते हैं कि अल्टीमेटली यू विल बी रीचिंग दिस सुप्रीम लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस एट द पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी, एंड इन्फिनिटी इज नेवर अचीवेबल, राइट। दैट परफेक्ट कॉन्शियसनेस, दैट सुप्रीम कॉन्शियसनेस इज एब्सोल्यूट नॉलेज, क्या आपकी गाइस वो कर पाएगी, वहां तक पहुंच पाएगी, राइट। बट दैट इज मूविंग टुवर्ड्स इट, दिस इज मूविंग टुवर्ड्स दिस यूटोपिया, राइट। और ऐसे ही डॉर्कहाइम, बाद में मार्क्स भी बोलेंगे कि मोड ऑफ प्रोडक्शन जब आता है, राइट, जब हिस्ट्री प्रोग्रेस करती है मटीरियलिस्टिक बेसिस पे, वो बोलेंगे मटीरियलिस्टिक बेसिस पे हिस्ट्री प्रोग्रेस करती है, और उसी को हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म बोला है कार्ल मार्क्स ने। तो जब हिस्ट्री मटीरियल बेसिस पे हम आगे पढ़ेंगे प्रोग्रेस करती है, तो आपके फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन जिससे आप प्रोडक्शन करते हो, टेक्नोलॉजी, लेबर, राइट, वो ज़्यादा सुपीरियर होते जाते हैं, और अल्टीमेटली आप क्या है, एक परफेक्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन पे पहुँचोगे, एक यूटोपिया पे पहुँचोगे, राइट। तो वही आपका कम्युनिज्म होगा, राइट। तो डायरेक्टली लिंक्ड है सारी चीज़ें, कहीं ना कहीं मार्क्स क्या है, लिंक करते हैं, लेकिन रिवर्स मैनर में लिंक करते हैं, राइट। हायर लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस इन द डोमेन ऑफ आइडियाज, यही आपका हिस्टोरिकल इवोल्यूशन है। तो ये कहीं ना कहीं आपका कॉम्टियन एनालिसिस से लिंक्ड है। कॉम्ट भी तो यही बोलते हैं कि आपका जो हिस्ट्री प्रोग्रेस होती है, सोसाइटीज प्रोग्रेस हो रही है, उसके साथ साथ ह्यूमन माइंड, थॉट और इंटेलेक्ट भी प्रोग्रेस हो रहा था, राइट। वी सो अबाउट द लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस दैट वॉज प्रोपाउंडेड बाय कॉम्ट। तो यहां से भी आप हेगल और कॉम्ट को भी लिंक कर सकते हैं, राइट। नॉट ओनली दिस, सी लेकिन वो कॉम्ट से डिफर कैसे कर रहे हैं, राइट। दिस इज नॉट एन इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, राइट। हेगल का इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव नहीं है, और ना ही कार्ल मार्क्स का है, राइट। बिकॉज इवोल्यूशनरीज आर फंक्शनलिस्ट टू एन एक्सटेंट, और वो क्या बोलते हैं कि ये जो सोशल चेंज है, राइट, दिस इज नथिंग बट सोशल चेंज, ऐसी होगा, सोशल चेंज विल टेक प्लेस इन द रियलम ऑफ आइडियाज, राइट। इन द रियलम ऑफ आइडियाज सोशियोलॉजी, सोशल चेंज विल टेक्स प्लेस अल्टीमेटली व्हेन दीज आइडियाज आर मैनिफेस्टेड ऑन द एक्सटर्नल रियलिटी, राइट। दैट इज द रियल, द सोशल चेंज इन द एक्सटर्नल फिजिकल और सोशल वर्ल्ड, राइट, इन द एक्सटर्नल सोशल वर्ल्ड, राइट। वो बोलते हैं कि अनलाइक सोशल इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, जैसे कि कॉम्प्ट ने बोला था कि सोशल चेंज स्मूथ होगा, राइट, सोशल स्टैटिक्स की बात की थी आपको याद होगा, तो इट इज ग्रेजुअल, राइट, इट इज स्मूथ, ग्रेजुअल। लेकिन वो बोलते नहीं, दिस सोशल चेंज इज रिडल्ड विद कॉन्ट्राडिक्शंस, कॉन्फ्लिक्ट्स, डायलेक्टिक्स। तो आपका सोशल चेंज क्या है, डायलेक्टिक्स के थ्रू प्रोसीड कर रहा है, डायलेक्टिक्स इज लिंक्ड टू सोशल चेंज, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्फ्लिक्ट इज लिंक्ड टू सोशल चेंज, दिस कॉन्फ्लिक्ट इज टेकिंग प्लेस इन द रियलम ऑफ आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, आइडियोलॉजी इन द रियलम ऑफ आइडिया के बेसिस में कॉन्फ्लिक्ट होगा। जैसे आपको कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म क्या है, दिस इज द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, दिस आर द क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज, राइट। कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म जब आपकी कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी, दैट इज नथिंग बट क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज, आपका क्रिश्चियन और इस्लामिक जो फाइट्स हो रही थी, राइट, जो रिलीजियस वॉर से, दीज आर द क्रैश ऑफ आइडियोलॉजीज, राइट, ठीक है। तो बोलते हैं कि ये जो आइडियोलॉजी का क्लैश है, कंफ्लिक्ट है, कंट्राडिक्शन है, डायलेक्टिक्स, इसी के थ्रू क्या है, धीरे धीरे जब आपकी गाइस हायर लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस पे रीच करेगी, और जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है, सोशल और फिजिकल वर्ल्ड है, दैट इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ योर गाइस, राइट। आइडियल इज द ओनली रियलिटी। नाउ इफ दिस रियलिटी इज गेटिंग सुप्रीम, यू आर रीचिंग मोर हायर लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हायर लेवल्स ऑफ थॉट, राइट। सो दैट इज हाउ हिस्ट्री इज प्रोग्रेसिंग, राइट। बिकॉज हिस्ट्री में क्या है, गाइस इज बिकमिंग मोर एंड मोर रिफाइंड विद
बिकमिंग अ मोर एंड मोर रिफाइंड थॉट, इट इज रीचिंग हायर लेवल्स और सुप्रीम लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, राइट। तो एक्चुअल में जो था, अगर आप देखोगे जो ये जो पूरा का पूरा जो डायलेक्टिक्स कंसेप्ट लिया गया है, ये लिया गया आपका एंशियंट ग्रीस से। एंशियंट ग्रीस में जो डिबेट्स होती थी, राइट, डिबेट्स होती थी, इन डिबेट्स का पर्पस क्या था? ये जो डिबेट्स होती थी, ये होती थी थ्रू द प्रोसेस ऑफ डायलेक्टिक्स। एक कोई भी डिबेट कर रहा होगा, एक पर्टिकुलर थीसिस जनरेट करेगा, वो अपना आइडिया और प्रोपोजिशन देगा, राइट, अपने आर्ग्यूमेंट्स रखेगा। जो ऑपोजिट पार्टी है वो क्या है, इसका एंटी थीसिस जनरेट करेगी, इसका कॉन्ट्राडिक्शन, इसको रिफ्यूट करेगी, राइट। और थीस और जो डिबेट है उसका पर्पस क्या था, नॉट टू विन और लूज, बट थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ डायलेक्टिक्स, राइट, थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस, थ्रू द रिजोल्यूशन ऑफ दिस कॉन्ट्राडिक्शंस, यू विल बी रीचिंग मोर हायर लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ऐसे डिबेट क्या प्रोग्रेस करती जाएगी, न्यू आइडिया आएगा, फिर इसको कॉन्ट्राडिक्ट किया जाएगा और डिबेट विल बी रीचिंग टू मोर हायर लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यू विल बी हैविंग मोर रिफाइंड थॉट। और जो सोक्रेटिक मेथड जो क्वेश्चनिंग था, सोक्रेटिक मेथड, सोक्रेटस क्या क्वेश्चन पूछते रहते थे लोगों से, राइट, और वो दैट इज वो कहीं ना कहीं क्या लूप होल ढूंढते थे, डायलेक्टिक्स ढूंढने की कोशिश करते थे, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने की कोशिश करते थे और डिबेट ऐसे प्रोग्रेस करती है। इट इज़ नॉट लाइक द करंट डिबेट्स ऑन द इन द मीडिया वेयर एवरीथिंग इज मैन्युफैक्चर्ड, राइट, और वहाँ पे विनिंग और लूजिंग वाला गेम होता है, नॉट टू रीच मोर हायर लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, राइट, बट दिस इज हाउ इंटेलेक्चुअल डिबेट्स और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज यूज टू टेक प्लेस इन एंशियंट ग्रीक, थ्रू दैट गाइस विल बी रीचिंग मोर हायर लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो यहीं से ही डायलेक्टिक्स का वर्ड आया है, राइट। तो ये जो टी ए साइकिल है, सी इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट कोई भी डिस्कवरी करता है तो उसके मन में एक पर्टिकुलर हाइपोथीसिस होता है, राइट, हाइपोथीसिस या थीसिस मान लो आप, एक पर्टिकुलर हाइपोथीसिस वो बोलते हैं कि दिस इज हाउ, फॉर एग्जाम्पल अगर न्यूटन ने एप्पल गिरते हुए देखा तो उसने एक हाइपोथीसिस दिया होगा, राइट। अब उसने जो दिया होगा वो करेक्ट नहीं होगा, उसके अंदर ही इनहेरेंट लूपहोल और कॉन्ट्राडिक्शन होंगे, डायलेक्टिक्स होंगे। तो उसको चेक करने के लिए क्या है, वो एक्सपेरिमेंट करेगा। नाउ ही मस्ट हैव बीन कंडक्टिंग थाउजेंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, राइट, और ईच टाइम दिस एक्सपेरिमेंट्स थ्रू दिस ट्रायल एंड एरर प्रोसेस, ईच टाइम एक्सपीरियंस दिस एक्सपेरिमेंट्स मस्ट हैव रिवील्ड सम काइंड ऑफ दिस डायलेक्टिक्स, दिस कॉन्ट्राडिक्शंस इन हिज हाइपोथीसिस। तो हिज तो वो क्या, उनकी थियरी और ज़्यादा रिफाइन होती जाएगी और अल्टीमेटली क्या है, ही विल बी रीचिंग टू द एक्चुअल ट्रूथ, राइट, और वहाँ से क्या आएगा, वर्ड यूरेका, राइट। दिस इज हाउ साइंटिस्ट वर्क, दिस इज द साइंटिफिक मेथड। तो कहीं ना कहीं वो भी डायलेक्टिक्स पे बेस्ड है, कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटेशन इज फॉर रेफ्यूटेशन, नॉट फॉर कन्फर्मेशन ऑफ योर हाइपोथेसिस, राइट। हमने पहले भी डील किया था जब हम कार्ल पॉपर के बारे में बात कर रहे थे, थॉमस कून के बारे में बात कर रहे थे, तो कार्ल पॉपर बोलते हैं जब वो इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड के बारे में बात करते हैं कि हाइपोथेसिस शुड बी रिफ्यूटेड, राइट, इट शुड नॉट बी सपोर्टेड, दैट इज नथिंग बट दिस प्रोसेस। जब कोविड हुआ था आपका, तो वैक्सीन्स की बारे में बात की जा रही थी, लेकिन उसमें एक डिबेट ये थी कि हम इतने शॉर्ट टाइम में वैक्सीन्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते, क्योंकि वैक्सीन्स के भी काफ़ी फेसेस होंगे, काफ़ी ट्रायल्स होंगे, उसमें वेरियस कंट्राडिक्शंस होंगी। आप एकदम से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में यू वॉन्ट बी एबल टू डिवाइस एन इफेक्टिव वैक्सीन, राइट। तो इसलिए कुछ वैक्सीन्स क्या है, काम नहीं कर रही हैं, राइट। अदर वैक्सीन्स टू मोर देन डिकेड फॉर रिसर्च एंड टू मेक दैट परफेक्ट वैक्सीन, सो एज टू काउंटर दैट वायरस और टू काउंटर दैट बैक्टीरिया, राइट, थ्रू ट्रायल एंड एरर, थ्रू कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ डायलेक्टिक्स, बट इट विल टेक टाइम, राइट। दिस प्रोसेस विल बी गोइंग ऑन थ्रू दिस टी ए साइकिल कंटिन्यूसली। थर्ड इज यूपीएससी। आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, वैन यू स्टार्टेड विद दिस प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी, यू मस्ट हैव सम सॉर्ट ऑफ आइडिया, थॉट और इमेजिनेशन, यू हैड सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलेक्ट, योर गाइस्ट और कॉन्शियसनेस वॉज शेप टू अ पर्टिकुलर लेवल, बट आप जब एक्चुअल में आपने जो एक माइंडसेट बनाया हुआ था, राइट, एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी थी आपका पर्टिकुलर था और वो परफेक्टली इमेजिन कर रहे थे, लेकिन व्हेन यू विल एक्चुअली स्टार्ट डूइंग थिंग्स, राइट, तो आपकी जो इंटरनल कंट्राडिक्शंस है, ये जो आपकी गाइस्ट में थी, वो दे विल स्टार्ट बी मैनिफेस्टिंग। सो विद ईच मैनिफेस्टेशन यू हैव टू रिजोल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शंस थ्रू दिस फीडबुक लैब,
फीडबैक लूप, राइट? यू हैव टू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शंस सो एज टू रीच मोर हायर लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन यूपीएससी. योर गाइस और थॉट शुड प्रोग्रेस, राइट? तो टेस्ट सीरीज क्या होता है? टेस्ट सीरीज नथिंग बट दिस रिजोल्यूशन ऑफ डायलेक्टिक्स, राइट? सो ये सब था. तो हम देखेंगे कि मार्क्स इसको 3 से 4 पॉइंट पे क्रिटिसाइज करेंगे, राइट? एक तो हमने देखा आइडियलिज्म, आइडियलिज्म की जगह वो बोलेंगे मटीरियलिज्म, राइट? और यहां पे हमने देखा कि कॉन्शियसनेस, हमने देखा था कॉन्शियसनेस डिटरमाइंस बीइंग. बीइंग इज नथिंग बट योर एक्सटर्नल वर्ल्ड, योर नेचुरल वर्ल्ड, एक्सटर्नल वर्ल्ड, मटीरियल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड, राइट? तो वो बोलते हैं कॉन्शियसनेस डिटरमाइंस बीइंग, हेगल. इसी का उल्टा करेंगे मार्क्स. मार्क्स बोलेंगे बीइंग डिटरमाइंस कॉन्शियसनेस, ठीक है? 4-5 पॉइंट्स पे आएंगे. कॉन्ट्राडिक्शंस हमने देखा, कॉन्ट्राडिक्शंस वो बोलते हैं इंटरनल होते हैं. यहीं से डायरेक्ट की डायरेक्ट वो लेके आएंगे कि हर एक मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस होंगे, राइट? और जब हम बात कर रहे हैं कि थीसिस, एंटीथीसिस क्या है, एंटीथीसिस क्या है, थीसिस का निगेशन है, कॉन्ट्राडिक्शन है, राइट? तो यहीं से ही हम देखेंगे डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, एक वो आएगा लॉ ऑफ निगेशन ऑफ निगेशन, वो भी यहीं से निकल के आएगा, राइट? और थीसिस और एंटीथीसिस क्या है, आपस में क्या है, ऑपोजिट है, इजंट इट? आपस में ऑपोजिट, कॉन्ट्राडिक्टरी है. लेकिन थीसिस में ही एंटीथीसिस छुपा हुआ है. एंटीथीसिस थीसिस से ही निकल के आया, उसी स्टेटमेंट से निकल के आया. तो यहां से एक ना आपका आएगा, एक और लॉ देंगे, लॉ ऑफ यूनियन एंड कंफ्लिक्ट ऑफ ऑपोजिट्स. एलियनेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो भी यहीं से निकल के आएगा. हेगल्स कंसेप्ट ऑफ एलियनेशन, वो यहीं से गाइस्ट, आपकी गाइस्ट है हेगल बोलते हैं, वो एलियनेटेड है और वहीं से ही वो उसको मटेरियल वर्ल्ड में क्या है. और ये जो फिलोसॉफिकल जो इमेजिनेशन ऑफ एलियनेशन जो हेगल दो रहे हैं, उसको सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन ऑफ एलियनेशन क्या देंगे, कार्ल मार्क्स देंगे. तो देर आर मेनी मोर पॉइंट्स, राइट? लॉ ऑफ क्वांटिटेटिव चेंज एंड क्वालिटेटिव चेंज, आइडियल मटेरियलिज्म, राइट? वट इज मटेरियलिज्म? सो हेगल, मार्क्स इज इन डायरेक्ट ऑपोजिशन टू हेगल. बट अगर डायरेक्ट ऑपोजिशन भी है, लेकिन आइडियाज तो वो हेगल से ही डिराइव कर रहे हैं, इंफ्लुएंस वो हेगल से ही है, राइट? सो दिस इज डायलेक्टिकल आइडियलिज्म. इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी टेकिंग अ लुक इन टू, इन द नेक्स्ट टू लेक्चर्स आई विल बी टॉकिंग अबाउट हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म. सी मार्क्स ने बहुत सारे वर्क्स लिखे थे, राइट? उन्होंने पर्टिकुलर बुक नहीं लिखी, ही रोट लॉट ऑफ वर्क्स, बुक्स, एसेज, जर्नल्स, राइट? इसी में पूरा का पूरा उनकी क्या है, आइडियोलॉजी, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी छुपी हुई है, राइट? उन्होंने एक चीज में नहीं लिखा, एवरीथिंग पे उन्होंने लिखा था, राइट? तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म और डायरेक्टिकल मटेरियलिज्म कुछ अलग अलग कंसेप्ट नहीं है, दोनों ही इंट्रिंकली लिंक्ड है. और यहीं से ही आपका मोड ऑफ प्रोडक्शन भी इसी में छुपा हुआ है, राइट? मोड ऑफ प्रोडक्शन कोई अलग कंसेप्ट नहीं है, वो सब कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड है, राइट? तो हम डायलेक्टिकल आइडियलिज्म और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म आर वन, दे आर डिफरेंट कंसेप्ट बट दे आर विल बी रीडिंग दम टूगेदर बिकॉज दे आर इंटरकनेक्टेड और इंटीग्रेटेड विथ ईच अदर. देर इज नो डिफरेंस एज टू से, राइट? हम देखेंगे कि वो सारा का सारा कॉन्ट्राडिक्शन से ही, हिस्टोरिकल कॉन्ट्राडिक्शन, मटीरियल कॉन्ट्राडिक्शन, डायलेक्टिकल कॉन्ट्राडिक्शन निकल के आएंगे, राइट? तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म. उसको एक कैटेगराइजेशन करते हैं लोग पढ़ने के लिए, लेकिन उसमें एक्चुअल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ही इनमेस्ड है आपस में. साथ साथ वहीं से कंसेप्ट आएगा मोड ऑफ प्रोडक्शन का, मोड ऑफ प्रोडक्शन का कंसेप्ट आएगा. और उसके बाद विल बी टॉकिंग अबाउट दिस मोड ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट इज प्रिमिटिव कम्युनिज्म, राइट? व्हाट इज कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, विल बी टेकिंग अ लुक इनटू दैट एज वेल, राइट? सो इन द नेक्स्ट टू लेक्चर्स आई विल ओनली बी टॉकिंग अबाउट हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, बिकॉज इसी में ही आपका डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का कंसेप्ट छुपा है और इसी में ही मोड ऑफ प्रोडक्शन छुपा हुआ है, राइट? सो नेक्स्ट टू लेक्चर्स विल बी डिवोटेड टू हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म ऑफ कार्ल मार्क्स.